लेट अस सी दैट, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लेट अस सी दिस। सबसे पहले एक सिंगल चार्ज की बेसिस पे देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। आज की क्लास में मुझे लगता है सिर्फ सिंगल चार्जेस ही हो पाएंगे। सो लेट अस सी दिस, फ्लक्स लिंक्ड विद क्यू ड्यू टू अ चार्ज। और इसमें बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे केसेस होंगे, तो हम सभी को धीरे धीरे एक बार देखेंगे। तो लेट सी इट एज, हमने कहा कि चलो सबसे पहला केस लेते हैं, केस वन। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा, तो फिर से देख लो, एक क्यूब रखा हमने। लेट अस से वी हैव टेकन अ क्यूब, ये क्यूब लिया है ना। अब इस क्यूब के सेंटर पर हमने चार्ज रखा है, मतलब ये इसका अगर सेंटर है यहां पर, तो इस सेंटर पर हमने चार्ज रखा, एंड वी हैव प्लेस्ड क्यू चार्ज ओवर हियर। तो अब इस क्यू चार्ज की वजह से, इस सेंटर की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी, कैन आई से वो फील्ड लाइंस तो हर डायरेक्शन में जा रही होंगी बेटा। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर की तरफ भी आ रही होंगी, इस डायरेक्शन में भी जा रही होंगी, इस डायरेक्शन में भी जा रही होंगी, हर डिफरेंट डायरेक्शन में रेडियली जा रही होंगी। तो अगर हम देखें, तो अगर हमको यहाँ पे इस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना हो, हाउ विल आई कैलकुलेट द फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज, आई विल से इट इज सीधा सीधा कंप्लीट सरफेस है, कंप्लीट फेस की वजह से अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा स्पाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस के अंदर चार्ज तो सिर्फ क्यू है, और वह हमेशा जो फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज विद इन द चार्ज सरफेस। तो ये इतना हो जाएगा, है ना। अब दूसरे पॉइंट पे जाओ, अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि इंडिविजुअल सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स आ रहा है, उस चीज को समझना। तो बेटा सीधी सी बात है, मुझे ये बताओ, फिर से हम एक क्यूब ले लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। वी हैव टेकन वन क्यूब, ये क्यूब लिया है ना, और इस क्यूब का सेंटर ये है, दिस इज द सेंटर। अब इस सेंटर पॉइंट से अगर हम देखें, ये सेंटर पॉइंट से कितना सॉलिड एंगल इंटरसेप्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं, देन वी विल हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट कि जो भी फ्लक्स है वो किस तरीके से डील होगा। तो देखो, ये सेंटर पॉइंट से अगर हम इस फेस को देखें, तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन। आई होप यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट द सिचुएशन। 3D फिगर है तो थोड़ा सा आपको डाउटफुल हो रहा होगा, बट स्टिल आई कैन से इट इज कि यहां से ये एंगल इंटरसेप्ट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, है ना। ये सॉलिड एंगल एक फेस इंटरसेप्ट कर रहा है जो कि इस साइड वाला है। सेम वे अगर हम यहां से बात करें, लेट अस से सेकेंड पार्ट लेते हैं, इस वाले फेस को देखते हैं। तो इस वाले फेस से अगर हम देखें, तो ये पार्ट एक हो गया, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। और ये कौन सा एंगल इंटरसेप्ट कर रहा होगा, ये इधर वाला एंगल इंटरसेप्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। यस तो दो आपके पास स्क्वायर पिरामिड होगा एक तरीके से, एक स्क्वायर पिरामिड ये है येलो लाइन वाला, एक स्क्वायर पिरामिड है ये पिंक लाइन वाला।
और इसके जो स्क्वायर पिरामिड के जो टॉप पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल। पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों सॉलिड एंगल बराबर हैं या अलग अलग हैं? बराबर क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस जो है चारों कॉर्नर की सेंटर से इक्वल है कि नहीं है, और जो एरिया है एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो एरिया भी इक्वल है, आर भी इक्वल है, मतलब क्या हुआ, सॉलिड एंगल भी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो दो अपोजिट फेस का जो सिचुएशन है वही सिचुएशन बाकी बचे हुए फेसेस का भी होगा कि नहीं होगा। तो कहना इससे जितने भी छह सरफेस हैं सभी छह सरफेस इक्वल सॉलिड एंगल इंटरसेप्ट करेंगे एट द सेंटर, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और अगर सभी इक्वल सॉलिड एंगल इंटरसेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सभी के सभी इक्वल फ्लक्स भी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि सॉलिड एंगल अगर बराबर है तो फ्लक्स भी बराबर होगा, होगा कि नहीं सर, होगा? सो आई कैन से इट एज फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस विल बी इक्वल। और क्यों इक्वल होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज एज द सॉलिड एंगल बाई ईच फेस इज इक्वल। ठीक है ना? तो अगर हमने कहा कि एक फेस से मान लो 5 फ्लक्स जाता है तो 6 फेस होते हैं किसी भी क्यूब में, तो 6 फेस से कितना फ्लक्स जाएगा? कहना इसे 6 5 फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हो गया 5 फ्लक्स। और यही टोटल फ्लक्स जा रहा है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल फ्लक्स के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो दिस 6 5 फेस शुड बी इक्वल टू 5 टोटल, मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। तो बताओ 5 ऑफ द फेस कितना होगा, 5 ऑफ द फेस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन। तो मतलब अगर सेंटर पर कोई चार्ज रखा है तो आप टोटल फ्लक्स भी निकाल सकते हो, और फ्लक्स लिंक्ड विद एनी वन फेस भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक तो इसको पहले नोट कर लो फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। हो गया? ठीक आगे बढ़े। चलो ये पहला केस खत्म हो गया जहां पे हमने चार्ज को कहां रखा था, सेंटर पे। अब लेट अस मूव टू द सेकेंड केस, केस टू। चार्ज इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब हमने चार्ज को कहां रखा, चार्ज को क्यूब के एक कॉर्नर पे रखा, तो अब कॉर्नर के हिसाब से क्या कंडीशन होगी, लेट अस सी दैट। ये हमने एक क्यूब लिया, और इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे मान लो हमने ये कॉर्नर ले लिया और इस कॉर्नर पर हमने एक चार्ज रख दिया। We have placed this charge at this point. अब ये चार्ज देखो कि इससे जो फ्लक्स जा रहा होगा, अगर हम इससे फ्लक्स की बात करें तो इस चार्ज से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं? द फ्लक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, द फ्लक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फ्लक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जा रहा होगा। मतलब भाई कंप्लीट फ्लक्स तो इस क्यूब में नहीं जा रहा है,
इसका मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तब होता, मान लो ये कॉर्नर की जगह बस सरफेस के अंदर होता, कहीं भी होता, इट डजेंट मैटर सेंटर पे ही होता, कहीं भी होता, तो वो अल्टीमेटली सारा का सारा जो फ्लक्स उससे निकल रहा है, फील्ड लाइंस जो है वो सारा का सारा क्यूब से के सरफेस से ही पास करेगा कि नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में चार्ज इनक्लोज क्यू हो जाता और हमने लिख दिया होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स। लेकिन सिंस दिस चार्ज इज एट द कॉर्नर, इसलिए इसका कुछ पोर्शन ही क्यूब के अंदर है, कंप्लीट पोर्शन क्यूब के अंदर नहीं है, और अगर कंप्लीट पोर्शन क्यूब के अंदर नहीं है तो हमें वो पोर्शन देखना पड़ेगा कि जो पोर्शन क्यूब के अंदर है। सो लेट अस सी दैट, अगर हम इस पर्टिकुलर क्यूब की बात करें तो आई कैन से इट एज कि ये जो क्यूब है, ये जो चार्ज है, इससे अगर हम देखें तो आई से इट इज एक क्यूब इधर होगा, नहीं आया समझ में, एक क्यों सेकेंड फिर से देखो जरा। ये जो क्यूब था है ना, मैं ये कह रहा हूं कि इस क्यूब से जो क्यूब है कौन कौन से क्यूब कनेक्टेड होंगे, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि ये जो क्यूब है, अगर इस क्यूब को उठा के हम यहां ले आए, लेट अस सी दैट, ये तो कहना ही से चार्ज का कुछ फ्लक्स इस क्यूब में भी जा रहा होगा, यस और नो? यस अच्छा फिर से एक बार इसको देखते हैं, इस चार्ज का एक हमने क्यूब और लिया, विच इज प्लेस लाइक दिस। अब कैन आई से इस चार्ज का एक पोर्शन इस क्यूब में भी जा रहा होगा, यस चलो वेरी गुड। अब एक बार इसको और देखते हैं, ये चार्ज है रखते, इसका एक फ्लक्स अब इस क्यूब से भी जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, सर तो कहना ही से इस चार्ज के जो फ्लक्स है, एक पोर्शन इस क्यूब में गया, एक पोर्शन क्यूब नंबर टू में गया, इनके नाम दे देते हैं, दिस इज क्यूब नंबर वन, ये सबसे पहला मेरा प्राइमरी क्यूब क्यूब नंबर वन था, क्यूब नंबर टू, क्यूब नंबर थ्री, क्यूब नंबर फोर, ये चारों क्यूब जो है इस चार्ज से पीछे वाले क्यूब हैं कि नहीं है, यस कहना ही से ऐसा ही कंप्लीटली ये पूरा स्ट्रक्चर को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट अस से दैट, है ना, और इसका एक क्लोन और बना दिया। आई विल से इट एज अगर हम चाहें तो ऐसे करें, तो कहना ही सेट है चार क्यूब पीछे थे और वही चार क्यूब आगे भी आ गए, यस मतलब कितने क्यूब्स हो गए टोटल, एट और ये पूरा जो चार्ज है इसका जितना भी फ्लक्स था इन सभी आठों क्यूब से होकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है अब, यस तो अगर इसका जो फ्लक्स है वो आठ क्यूब के साथ शेयर हो रहा है तो एक सिंगल क्यूब के साथ कितना पोर्शन ऑफ फ्लक्स शेयर हो रहा होगा, वन वन बाई एट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तो अगर मैं कहूं कि बताओ फ्लक्स लिंक विद द क्यूब, तो फ्लक्स
link with one cube is equal to कितना होगा? It will be equal to टोटल आठों का तो हुआ क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो अगर हम देखें तो वो 1/8 हो जाएगा, मतलब I'll say it as 1/8 times of Q by epsilon. और ये क्यों हो रहा है? As the charge is shared by 8 cubes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ज्योमेट्री के हिसाब से बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी की, मतलब अगर मैं ये हाथ से बना रहा होता तो कुछ समझ में नहीं आता ना, लेकिन इफ यू यूज द टेक्नोलॉजी चीजें और क्लियर हो जाती है. चलो, सो ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया बेटा आपको. सो दिस इज हाउ आई कैन से इट इज, कि जो भी चार्जेस हैं अगर हम यहां पर बात करें तो ये फ्लक्स जो है वो एक पर्टिकुलर क्यूब से शेयर हो रहा है. टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज फाई टोटल फॉर अस. अभी तो ये बात हुई कि टोटल हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हमें तो कैलकुलेट ये भी करना है कि भैया हर सरफेस से कितना हो रहा है. अगर हम उस चीज की बात करें तो हाउ विल आई गो अहेड, फिर से चलते हैं. फिर से हमने कहा कि लो एक क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब हमने बना लिया, और इस क्यूब के जो ये सेंटर कॉर्नर था, इस कॉर्नर पर हमने चार्ज रखा था, है ना बेटा? ये चार्ज हमने रखा था. अब इससे हमें टोटल फ्लक्स तो पता चल गया, क्यूब बाई एट एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. लेकिन अब अगर हम यहां पर इस फ्लक्स, इस पर्टिकुलर क्यूब की बात करें, तो इस क्यूब से जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो कैसी होंगी? कैन आई से जो ये जो सरफेस है, सबसे फ्रंट वाला सरफेस है, इस पर जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी पैरेलल टू दिस सरफेस, है ना? ये सरफेस वन है, फ्रंट वाला. सेम वे अगर हम यहां पर इस सरफेस से बात करें, टॉप पे रूफ पर, रूफ पर जो इससे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, कैन आई से वो रूफ के पैरेलल ही होंगी, ठीक है ना? ये जो फील्ड लाइंस हो गई, ये हो गया सरफेस टू. और इसके अलावा जो पीछे वाला जो सरफेस दिख रहा है, इस पीछे वाले सरफेस पे भी जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ये फील्ड लाइंस भी पैरेलल टू द सरफेस होंगी. तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं विद दिस कलर. ये सरफेस थ्री होगी, और जिन भी सरफेस से फील्ड लाइंस पैरेलल जाती हैं, ग्रेज करते हुए जाती हैं, उन सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है? अगर कोई सरफेस है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, मतलब फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? फील्ड लाइन शुड कट द सरफेस, दे शुड नॉट ग्रेज द सरफेस, है ना? तो कैन आई से जो हमने ये तीन सरफेस लिए थे, एक तो वन, इससे हम कह सकते हैं फाइ वन इज इक्वल टू जीरो, इस टू सरफेस से भी हम क्या बोल सकते हैं फाइ टू इक्वल टू जीरो, इस थर्ड सरफेस से भी हम क्या बोल सकते हैं फाइ थ्री इक्वल टू जीरो. तो भैया जो भी फ्लक्स जा रहा है उसमें से तीन फेस से तो कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है. Is that understood or not? अब आते हैं अगली सिचुएशन के लिए. तो इसके लिए फिर से हम एक क्यूब बना लेते हैं ताकि हमें और आइडिया मिलेगा. बिल्कुल अलग अलग करके हम इसको, अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास तीन सरफेस तो क्लियर हो गए,
ये चार्ज है, एक ये वाला सरफेस, ये तीनों सरफेस आपस में कनेक्टेड है ना, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, इन तीनों से तो कोई फ्लक्स नहीं जा रहा। अब हमारे पास बचते हैं तीन सरफेस। जो तीन सरफेस हैं वो कौन कौन से हैं जरा उनको देखें। तो आई विल से इट एज एक सरफेस तो हमारे पास बेस बचा, एक सरफेस हमारे पास ये वाली साइड बची और एक सरफेस हमारे पास पीछे वाली साइड बची, है ना। ये तीन तीन फेस हमको हमारे पास बचे हैं जिनसे हमें फ्लक्स देखना है, और हमें ये देखना है क्या उनसे फ्लक्स बराबर जा रहा है या डिफरेंट जा रहा है। बराबर कब जाएगा बेटा, कब बराबर जाएगा, जब सॉलिड एंगल बराबर होंगे। अगर सॉलिड एंगल बराबर इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो कहना इसे उन सरफेस से फ्लक्स भी बराबर जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, हम ये वाला सरफेस ले लेते हैं, दैट इज फ्लोर ले लेते हैं। तो फ्लोर के लिए हम अगर देखें तो एक लाइन तो ये हो गई, है ना, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये। ये एक तरीके से एक पिरामिड बना, बट इट इज नॉट अ मतलब यूनिफॉर्म पिरामिड, है ना, क्योंकि इसकी साइड्स क्या है सारी अलग अलग है। तो ये कुछ ये वाला सॉलिड एंगल इंटरसेप्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अब दूसरा कोई फेस ले लो, लेट से वी हैव टेकन सम अदर फेस, समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है। एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये, है ना। तो ये जो एंगल बना रहा होगा ये वाला एंगल बना रहा होगा, और ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। कैसे बोल सकते हो, आप चारों साइड्स को देखो, देखो एक साइड यहां पर ए है, इधर पे एक साइड ए है, है ना, दूसरी साइड यहाँ पे ए रूट टू है, यहां पर भी दूसरी साइड ए रूट टू है, तीसरी साइड यहां पर रूट थ्री ए है, इसमें भी रूट थ्री ए है, और चौथी साइड यहाँ पे ए रूट टू है, इसमें भी चौथी साइड ए रूट टू है। तो मतलब चारों साइड्स अगर बराबर हैं, बेस का एरिया भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो सॉलिड एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कहना इसे ये एंगल सॉलिड एंगल और ये सॉलिड एंगल दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सॉलिड एंगल सेम है इसका मतलब दोनों का फ्लक्स भी सेम होगा, और ये मैंने दो बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरे का भी फ्लक्स क्या होगा, सेम ही होगा। सो आई विल से इट इज के जो बाकी बचे हुए तीन सरफेसेस हैं उनसे जो फ्लक्स जा रहा होगा वो सेम होगा, और इन सरफेस को हम नाम दे देते हैं, ये 1 2 3 हो गए। तो जो बचे हुए सरफेस हुए हमारे पास वो कौन से हुए, अल्सेटस, जो बचे हुए सरफेस हैं, दैट इज दिस इज सरफेस 4, दिस इज सरफेस 5 एंड ये पीछे वाला जो है दिस इज सरफेस 6। तो हम लिख सकते हैं 5 4 इज इक्वल टू 5 5 इज इक्वल टू 5 6, और ये क्या होगा बेटा, कहना इसे टोटल का 1/3 होगा। भाई तीनों मिलकर के ही तो टोटल फ्लक्स निकल रहे हैं, बाकी इन तीन से तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल का 1/3 होगा। टोटल कितना था, 1/8 क्यूब/ε0। तो बताओ इनका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 3 16, 1/24 q/ε0। समझ में आया कि नहीं, सो दिस इज हाउ वी कैन से कि कोई भी फ्लक्स लिंक विद द सरफेस क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत तो पूछ लो अभी। चलो अब अगले सिचुएशन पे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड टू द थर्ड केस।
charge is placed at the center of any face. ये सिमिलर चीजें आपने पढ़ी होंगी सॉलिड स्टेट में, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, कि चार्ज चार्ज जो है वो सॉलिड, मतलब फेस क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक, ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने, पैकिंग फ्रैक्शन एंड ऑल, वही लगभग सिमिलर सा आइडिया है यहां पर भी। तो अगर हमने चार्ज को रखा कहां पर, किसी फेस पर, तो फेस की वजह से क्या होगा टोटल फ्लक्स। आई होप अब मेरे को आंसर डायरेक्टली मिल जाना चाहिए, या मुझे क्यूब बनाना पड़ेगा। कोई भी अगर हमने कहा, मान लो ये चार्ज रखा है हमने इस फेस पर, इस फेस के सेंटर पर, लेट से यहां रखा है सेंटर पर, तो ये जो चार्ज है इसका पोर्शन कुछ फ्लक्स इधर जा रहा होगा, और कैन आई से इस चार्ज का ही ये लो इसको कनेक्ट कर, ठीक है ना। तो ये जो फेस है, कैन आई से इट इज, ये जो चार्ज रखा था इसका कुछ फ्लक्स इधर जा रहा होगा, कुछ फ्लक्स इधर जा रहा होगा, दो ही क्यूब में पूरा का पूरा फ्लक्स निकल जा रहा है, निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आई कैन से इट इज, जो टोटल फ्लक्स होगा पाई टोटल will be equal to क्या होगा बेटा, half of the q by epsilon। भाई total flux कितना होता है, it is charge enclosed by epsilon naught, है ना, लेकिन इसमें से charge enclosed का आधा portion इधर जा रहा है आधा portion उधर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि flux दोनों जगह पे बराबर जा रहा है, तो इसलिए half of flux distribute। इतना चीज समझ में आ गया। अब faces की बात करें, faces को जब हम देखते हैं तो फेसेस को देखने में हमें फिर से फील्ड को देखना पड़ता है कि भाई फील्ड कैसे हो रहा है यहाँ। तो देखो जो ये फेस है, जो कॉमन फेस है, इस कॉमन फेस पर तो हम बोल सकते हैं जो भी फील्ड होगा वो फील्ड जो है वो पैरेलल टू द सरफेस होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, है ना। तो इसका मतलब अगर ये फील्ड पैरेलल टू द सरफेस है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इस जो सरफेस है इससे लिंक्ड फ्लक्स तो जीरो होगा, एनी प्रॉब्लम, इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, दूसरी सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको जो बाकी जो सरफेसेस हैं उनका फ्लक्स देखना है। तो अब देखो बाकी चार सरफेसेस देखो कौन कौन से, एक सरफेस ये हमने फेस वन मान लिया, अब हमारे पास ये फेस वन है हमारे लिए, है ना, ये फेस हमारे लिए टू हो गया, ये इसके पीछे वाली साइड का फेस हमारे लिए थ्री हो गया, ये टॉप का जो फेस है ये हमारे लिए फोर हो गया, और ये बॉटम का जो फेस है ये हमारे लिए फाइव हो गया, और लास्ट वाला ये जो फेस है ये हमारे लिए सिक्स हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखो, कैन आई से टू फाइव फोर और थ्री, इन चारों फेसेस को देखो कौन कौन सा, टू फाइव फोर और थ्री, मतलब एक आप फ्लोर ले लो और लेट अस से मैं कह देता हूं एक साइड वाला फेस ले लो, दोनों को हम अलग अलग एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, देख लो जरा एक बार क्या ये सेम एंगल इंटरसेप्ट कर रहे हैं या डिफरेंट एंगल इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटर से एक लाइन, तो हम एक बॉटम वाले के लिए देख रहे हैं, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई,
एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये बॉटम वाला हो गया। यस और ऐसा ही कहना इसे टॉप वाला होगा, ये तो क्लियर है, बॉटम और टॉप का तो बराबर ही होगा, है ना। अच्छा, एक हमने साइड वाला फेस ले लिया, तो साइड वाले फेस के लिए जरा लाइंस ड्रॉ करो जरा एक बार। साइड वाले फेस के लिए ये कलर लेंगे, तो साइड वाले फेस के लिए एक लाइन तो ये हो गई, है ना, एक लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन जो है वो ये हो गई और चौथी लाइन जो है वो ये हो गई। समझ में आ रहा है? एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन इधर वाली और एक लाइन इधर वाली। तो ये जो साइड वाला फेस है ये वाला एंगल इंटरसेप्ट कर रहा होगा यहां तक होकर के, और ये वाला जो फेस है बॉटम वाला ये वाला एंगल इंटरसेप्ट कर रहा होगा सॉलिड एंगल। और लाइंस का देखो, ये हाफ ऑफ डायगनल, ये हाफ ऑफ डायगनल, मतलब दो हाफ ऑफ द डायगनल लाइन। इधर पे भी देख लो, एक हाफ ऑफ द डायगनल, एक हाफ ऑफ द डायगनल, दो हाफ ऑफ द डायगनल लाइन। और बाकी दो लाइंस देखो, सेंटर से एक कॉर्नर, सेंटर से दूसरा कॉर्नर, यहां पर भी देखो सेंटर से एक कॉर्नर, सेंटर से दूसरा कॉर्नर, मतलब ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी जो भी होगी। तो कहना है इसे जो साइड लेंथ इक्वल है और बेस एरिया इक्वल है, इसका मतलब है सॉलिड एंगल भी इक्वल होगा। यस और नो? तो जितना फ्लक्स कहना है इसे फ्लोर पे आ रहा होगा, उतना ही फ्लक्स फ्रंट फेस पर भी आ रहा होगा, और जितना फ्रंट फेस पे आ रहा होगा उतना ही बैक फेस पे आ रहा होगा, जितना फ्लोर पे आ रहा होगा उतना ही रूफ पर आ रहा होगा। मतलब कैन आई से इट इज पाई टू इज इक्वल टू पाई थ्री इज इक्वल टू पाई फोर इज इक्वल टू पाई फाइव, और इसको हम मान लेते हैं पाई, है ना, पाई कनेक्टेड फेस। ये सारे फेस जो है वो क्या है, पहले वाले फेस से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो इसलिए हमने इसको पाई कनेक्टेड फेस मान लिया। और ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, बिकॉज सॉलिड एंगल्स इक्वल है, सो दिस ऑल सॉलिड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब इसके बाद 5 6 जो है वो अलग ही होगा, क्योंकि 6 जो है वो अपोजिट फेस है। तो अगर हम इसका एंगल देखें, देखो तो यहां पे क्या होगा, सेंटर से एक, सेंटर से दो, सेंटर से तीन, सेंटर से चार, चारों डायमेंशन अलग अलग है कि नहीं है, तो इसलिए इसका जो सॉलिड एंगल होगा वो बाकी चारों से अलग होगा। तो फाइव जो ये वाला फेस है अपोजिट फेस, वो अलग होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ कनेक्टेड फेस, प्लस पाई ऑफ अपोजिट फेस, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, टोटल फेस के बराबर, टोटल फ्लक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक फ्लक्स का तो 0 है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। अब ये इंडिविजुअल फेस का जो फ्लक्स है, अगर हमको वो कैलकुलेट करना हो, तो हमें किसी भी जो सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, उसकी वजह से कितना सॉलिड एंगल इंटरसेप्ट हो रहा है वो पहले सीखना होगा। और वो सॉलिड एंगल इंटरसेप्शन के लिए जब हम बात करेंगे, तो अभी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, कि जो भी आप कैलकुलेट करते हो सॉलिड एंगल्स का, एक अभी हमने नॉर्मल जो कर्व्ड फेसेस हैं उनके लिए तो समझ लिया, लेकिन अगर एक प्लेन फेस है और वो कितना सॉलिड एंगल इंटरसेप्ट कर रहा है, अगर हमको ये निकालना हो, जैसे पिरामिड बन रहा है कितना सॉलिड एंगल निकल रहा है, तो उसके लिए फिर हमको एक स्पेशल मेथड देखना पड़ता है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और ये चीज आपको मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस में इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एडवांस में अगर गॉस थ्योरम से प्रॉब्लम आएगी तो उसमें 100% सॉलिड एंगल का यूज होगा, स्पेशली प्लेन सरफेसेस की। सो व्हेन यू गो फॉर एडवांस सिचुएशन, तो एडवांस में आपको इसका जरूर यूज आएगा। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, मेंस तक का पोर्शन में यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन एडवांस का जब आप जाओगे तो वहां पे इस चीज को भी यूज करना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन द नेक्स्ट क्लास, है ना।
आज के लिए आपको ये क्यूब वाला जो सिचुएशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो वी विल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन कि जो भी सिचुएशन दी है हमको उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, स्पेशली फ्लक्स कैलकुलेशन, क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेशन पर बेस्ड बहुत सारे कंडीशन हमको आती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, और डीपीपीज प्रैक्टिस करते रहो। जो डीपीपीज आपको मिली हैं उसको, DPP 1 अपन ने कर ली थी शायद, है ना, और मैंने आपको बोला भी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन वाली वो कर ली, गॉस वाला पार्ट नहीं किया ना, तो गॉस वाला पार्ट अब आप आज कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, गुड लक।